Hello everyone, welcome to my online classroom and today in this video we are going to understand the whole chapter of class 10 social science geography chapter 4 agriculture through the notes. तो देखिए किस तरह से हम नोट्स के द्वारा इस पूरे चैप्टर को समझेंगे. देखिए चैप्टर का नाम एग्रीकल्चर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर इज अ लैटिन वर्ड. इट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एग्रो कल्चर. एग्रो मीन्स सॉइल और लैंड और कल्चर मीन्स कल्टिवेशन. सो फाइनली वी आर गेटिंग द वर्ड कल्टिवेशन ऑफ लैंड. इट इज नोन एज एग्रीकल्चर. तो नाउ देखिए इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल यही बताया गया है कि अगर एग्रीकल्चर देखें तो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इंडिया की. 2/3 जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की वो एंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी में आता है और यहाँ से जो भी फूड प्रोड्यूस होता है वो एक बेसिक जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो एक फूड होता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं. फूड ग्रेन्स हैं और फूड ग्रेन्स जो है और काफी सारा ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है इंडस्ट्रीज में. तो इट मीन जो सेकेंडरी सेक्टर है वो है जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर जो प्राइमरी एक्टिविटी और प्राइमरी सेक्टर है उस पर डिपेंड करता है. तो यहाँ पे भी बताया किस तरह से कनेक्टेड है किस तरह के रॉ मटेरियल्स जो है वो इंडस्ट्रीज में सप्लाई होते हैं यूज होते हैं. तो काफी सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जैसे टी है कॉफी स्पाइसेस है एक्सेट्रा जो एक्सपोर्ट होते हैं इंडस्ट्रीज में. टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें यहाँ पे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरीज ऑफ फार्मिंग जो है वो होती है जैसे सब्सटेंस से लेकर कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग यहाँ पे इंडिया में होती है डिफरेंट एरियाज में. प्रिमिटिव सब्सटेंस की बात करें तो देखिए प्रिमिटिव सब्सटेंस जो फार्मिंग होती थी वो इंडिया में पहले होती थी. फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया में होती है कुछ इलाकों में यहाँ पे ये प्रैक्टिस होते हैं. स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में खेती की जाती है और सिंपल टूल्स की मदद से जो हो है डाव है टेगिंग स्टिक्स है फावड़ा है खुरपी है उनकी मदद से होती है. और फैमिली जो जो एक इस तरह फार्मिंग करती है वो सिर्फ अपने यूज के लिए करती है अपने भरण पोषण के लिए इस तरह की खेती करती है क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होती. इसके साथ ही देखिए इस टाइप की जो फार्मिंग होती है वो डिपेंड करती है मानसून पे किस तरह के जो इरिगेशन मेथड्स हैं उनके उनपे ना डिपेंड करते हुए जो रियल जो मानसून से इरिगेशन होता है उस पर डिपेंड करती है. नेचुरल फर्टिलिटी जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी होती है उसी पर डिपेंड करती है किस तरह की यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं मिलाए जाते हैं. इसको साथ ही देखिए इट इज अ स्लैश बर्न एग्रीकल्चर. इसको स्लैश बर्न एग्रीकल्चर भी खाते हैं. इसमें फार्मर्स क्या करते हैं एक पैच ऑफ प्लांट होता है उसको क्लियर करते हैं जो भी पेड़ पौधे उन्हें काटते हैं या तो जला देते हैं उनको. फिर उसके बाद यहाँ पे फूड ग्रेन्स को फूड क्रॉप्स को उगाते हैं अपनी फैमिली के लिए और फिर कुछ दिन बाद इस इलाकों को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं फ्रेश इलाकों में और वहां पे सेम ये प्रोसेस को करते हैं फॉलो करते हैं. और इनका मानना है कि इस तरह से जो सॉइल की फर्टिलिटी जो एक बार वो खेती कर करके कई साल तक फर्टिलिटी जो सॉइल की रिड्यूस हो जाती है तो एक नेचर के थ्रू उसको मौका मिल जाता है कि अपनी फर्टिलिटी वो रिगेन करे. और इस वजह से किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स को फार्मर्स को यहाँ पे मिलाना नहीं पड़ता है. फिर वो लौट के फिर उसी जमीन पे फिर खेती करते हैं. तो इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना. इसी के साथ देखिए स्लैश और बर्न और जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कई और भी नाम है जैसे झूमिंग के नाम से नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखा जाए इंडिया के तो काफी इस नाम से जाना जाता है. डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है. तो कई बार वन मार्क क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है. इसी साथ जो इंडिया में है तो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन को डिफरेंट डिफरेंट नेम से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बोला जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में. और झूमिंग जो है वो काफी फेमस नाम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको यूज किया जाता है. इसके साथ ही देखिए इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है. तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है वो वहाँ उस एरियाज में होती है जहाँ पे हाई पॉपुलेशन होती है काफी ज्यादा प्रेशर होता है लैंड पे क्योंकि सभी के भरण पोषण के लिए उसी लैंड को फसलें उगानी होती हैं. काफी ज्यादा लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पे बायोकेमिकल इनपुट इरिगेशन ज्यादा प्रोवाइड की जाती है ताकि हायर प्रोडक्शन हो सके. कमर्शियल फार्मिंग देखिए एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है. कमर्शियल मतलब रिलेटेड टू मनी रिलेटेड टू इनकम. यहाँ पे कैश क्रॉप्स उगाई जाती है तो एक कह सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो फसलें उगाई जाती हैं वो बेचने के लिए उगाई जाती हैं. हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स यूज किए जाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इस तरह के ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स को यूज किया जाता है जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा रहे. और इसमें रीजन से रीजन जो देखा जाए फसलें तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से होती है जैसे अगर राइस जो है एक तरह की कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब क्योंकि यहाँ पे राइस ज्यादा खाया नहीं जाता तो वो राइस की प्रोडक्शन जब ज्यादा होती है तो उसको सेल कर देते हैं. अगर ओडिशा की देखें तो ओडिशा में जो राइस है एक सब्सटेंस क्रॉप है वहां पे इसकी खपत काफी ज्यादा वहां पे राइस को ज्यादा खाया जाता है. तो वहां के लिए ओडिशा के लिए एक राइस एक कमर्शियल क्रॉप नहीं है बल्कि एक सब्सटेंस क्रॉप है. इसके बाद मूव करते हैं प्लांटेशन को. तो प्लांटेशन देखिए इज अ ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. तो ये भी एक कमर्शियल टाइप का ही फार्मिंग है. इसमें एक लार्ज पीस ऑफ लैंड में एक सिंगल काइंड ऑफ क्रॉप उगाई जाती है और इसमें काफी सारा लेबर चाहिए होता है और काफी लेबर एक्सटेंसिव है. यहाँ पे चीप और स्किल लेबर रिक्वायरमेंट होती है. इस तरह के प्लांटेशन में हम टी कॉफी रबर शुगर के बनाना उगाते हैं और उसी पे बेचने के पर्पज से उगाते हैं. टी और देखें तो आसाम और नॉर्थ बंगाल और जो कॉफी है वो कर्नाटक जैसे इलाकों में कुछ उगाई जाती है. इस बाद में हम काफी कुछ डिटेल में बाद में पढ़ेंगे.
इसके बाद देखिए क्रॉपिंग पैटर्न देखें तो इंडिया की इतनी अच्छी सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल है कि यहाँ पे हर तरह की फसलें उग जाती हैं। तो बेसिकली जो इंडिया में जो खेती होती है वो थ्री क्रॉपिंग पैटर्न में, थ्री क्रॉपिंग सीजन में होती है। फर्स्ट है रबी, सेकंड है खरीफ और थर्ड है जैद। तो रबी क्रॉप जो है वो विंटर क्रॉप के नाम से जानी जाती है। इनको हम अक्टूबर से दिसंबर तक पूरा जो इनका प्रोसेस है वो हार्वेस्ट का है, जो सोइंग का टाइम है वो अक्टूबर से दिसंबर, से हार्वेस्टेड का टाइम जो है अप्रैल टू जून में हो जाती है इनकी कटाई। इसके बाद देखिए कुछ रबी क्रॉप के एग्जाम्पल जैसे वीट है, बाले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड है, किन किन इलाकों में इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं तो वो वहां पे मेंशन किए गए हैं। इसका खरीफ क्रॉप देखें तो ये ऑनसेट जैसे मानसून आता है तब ये फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि इन फसलों को पानी काफी ज्यादा चाहिए होता है तो इसलिए इनको रेनी सीजन में उगाया जाता है। इनको रेनी सीजन में उगाया जाता है मानसून जब आ जाता है। और इसको हम लोग जो हार्वेस्टिंग है टाइम है वो सितंबर से अक्टूबर है। यहाँ पे पैडी है, मेज है, ज्वार, बाजरा, तो ये कुछ फसलें हैं जो यहाँ पे उगाई जाती हैं। इस साथ जो देखिए आपको याद रखना है जो कुछ मैंने हाईलाइटेड कर दिए हैं वर्ड्स। देखिए एक तरह की पैडी जो है, एक तरह की जो पैडी है जो उगाई जाती है और ये कहाँ उगाई जाती है, स्टेट्स ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। तो थ्री वैरायटी की जो पैडी है वहां पे उगाई जाती है एक साल में, आग्रोन इन अ ईयर। तो उसके नाम है ऑस, अमन एंड बोरो। तो कभी कभी पूछ जाते हैं कि ऑस, अमन, बोरो क्या है, किस फसल को बोलते हैं, किस फसल की वैरायटी है और किस स्टेट में उगाए जाते हैं। तो आंसर हो गया पैडी। और कहाँ, किस स्टेट में, तो आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। ये थ्री क्रॉप्स होती है पैडी की, मतलब वैरायटी जिस तरह से होती है ना उस तरह की होती है। फिर इसके साथ ही देखिए रबी खरीफ सीजन के बीच एक शॉर्ट सीजन पड़ जाता है समर मंथ का, जिसको हम जैद सीजन बोलते हैं। और इस जैद सीजन में वाटरमेलन, मस्क मेलन जैसे फ्रूट्स और क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स वो जानवर को चारे के रूप में दी जाती हैं, वो उगाई जाती हैं। साथ ही देखिए शुगर केन को देखा जाए, शुगर केन को ऑलमोस्ट जो है एक ईयर लग जाता है ग्रो करने में। मेजर क्रॉप्स की बात करें इंडिया में तो राइस है, राइस एक स्टेपल फूड है मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया की। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का इंडिया आफ्टर द चाइना। खरीफ क्रॉप है, काफी हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से अबव होना चाहिए। और अगर लेस रेनफॉल वाले एरिया में आप उगा रहे हो तो आपको प्रॉपर इरिगेशन चाहिए यहाँ पे। फिर इसके बाद साथ ही देखिए राइस जो है ईस्टर्न इंडिया कोस्टल एरिया जो डेल्टा के रीजन वहां उगाए जाते हैं। और इरिगेशन की हेल्प से, ट्यूबवेल्स की हेल्प से ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पांच राजस्थान में भी उगाया जाता है। वीट देखें तो वीट जो है इंडिया का सेकंड मोस्ट इंफीरियर क्रॉप है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में उगाया जाता है, मेन यहीं पे फूड क्रॉप है। रबी क्रॉप है, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए जब इसका पकने का टाइम आता है, 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। और इंडिया में का टू ग्रोइंग जोन देखें जहाँ पे उगाते हैं तो गंगा सतलज प्लेन हो जो कि नॉर्थ वेस्ट में, और ब्लैक सॉइल रीजन है डेक्कन में। इसके साथ ही अगर प्रोडक्शन देखिए कौन कौन से स्टेट ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं वीट का, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो वैसे भी हर ज्यादातर मोस्टली क्रॉप में आते हैं क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, बस टी कॉफी के लिए यहाँ पे नहीं होते हैं। बाकी मिलेट्स देखिए तो मिलेट्स में जो कि आपकी सब क्रॉप्स होती हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार, ज्वार है, बाजरा, रागी, ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं, कोर्स ग्रेन्स हैं इंडिया के, इनको देखिए कोर्स ग्रेन्स बोलते हैं, इनमें काफी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। पहले तो इनको जानवरों को चारे के रूप में दिए जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बट आज देखिए काफी बड़ी बड़ी कंपनियां इनको हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज बताते हैं, और है भी इसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है, रफेज होते हैं जिसको हाई रेट पे सेल भी कर रहे हैं। ज्वार जो है जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया और प्रोडक्शन। इसके साथ ही देखिए किस तरह से बाजरा को सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल में उगा सकते हो आप, जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा है। रागी देखें तो ये ड्राई रीजन और ग्रो वेल करता है रेड, ब्लैक, सैंडी लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल्स में। तो इस तरह से देखिए अगर दो दो तीन तीन लाइन आप प्रिपेयर करते हो आपका हो जाता है। मेज जो है आप यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जो मेज है ये जो है एक पाउडर के रूप में भी यूज होती है, ठीक है, और एक फूड के रूप में भी, ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी क्रॉप है जो जानवरों को खाने के लिए दी जाती है एज वेल एज खुद भी खाई जाती है। अगर अमेरिका वहां की कंट्रीज में देखें तो एनिमल को एज अ पाउडर ये काफी दी जाती है। खरीफ क्रॉप है, 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, वेल एलुवियल सॉइल चाहिए। इंडेक्स की बात करें तो बिहार जो है काफी मेज को उगाता है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए काफी इनपुट चाहिए होते हैं, हाई यील्डिंग वेरायटीज, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, अगर ये सब कंट्रीब्यूट कर दें तो अच्छे से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन मेज का। इंडिया में स्टेट देखें तो देखिए कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश है। इसका पल्सेस देखें दालों की बात करें तो इंडिया में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की दालें उगाई जाती हैं, और इंडिया जो है एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है दालों का, साथ ही कंज्यूमर भी है। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि किस फसल की बात करें जिसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एज वेल एज कंज्यूमर भी है वर्ल्ड का, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग जो है शाकाहारी हैं तो एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स हो जाता है पल्सेस को, इस वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे पल्सेस को कंज्यूम किया जाता है। डिफरेंट तरह की देखिए प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट होती है, तो यही रीजन है कि क्यों यहाँ पे ज्यादा कंज्यूम होता है। और ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है, इसके आपको पता होगा कि इसके जो रूट्स होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो काफी हेल्पफुल होता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, और किस तरह से ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्स करने में,
फ्रॉम द एयर इन द सॉइल. सो ये तरह के पल्सेस को काफी ज्यादा लोग उगाते हैं एज अ रोटेशन क्रॉप्स में अदर क्रॉप्स के साथ, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी हमेशा बनी रहे. और जो मेन स्टेट्स हैं वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जहाँ पे काफी सारे पल्सेस को उगाए जाते हैं. फूड क्रॉप्स और अदर देन ग्रेन्स, तो ग्रेन्स के अलावा भी कुछ अदर फूड क्रॉप्स जैसे शुगर केन हो गया, तो शुगर केन एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है. 21 से 27 डिग्री इसको चाहिए सेल्सियस, और पानी जो है वो रेनफॉल 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर चाहिए. इंडिया देखा जाए सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राजील. इससे बाकी सारी और भी अदर चीजें जैसे शुगर है, गुड़ है जिसको जैगरी बोलते हैं, खांड, सारी मोलिसिस है, ये सब शुगर केन से ही बनता है. और देखिए काफी सारे स्टेट्स भी वहां पे बताए गए हैं, तो आप 2-3 स्टेट लर्न कर लीजिएगा. ऑयल सीड की बात करें तो ऑयल सीड अगर इंडिया की बात करें 2008 में तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. यहाँ पे काफी सारे जो ऑयल सीड जो प्रोड्यूस होते हैं वो है ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसम जिसको तेल बोलते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लीन सीड एंड सनफ्लावर. ग्राउंड नट जो है जो मूंगफली और खरीफ क्रॉप है. और गुजरात जो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाई दी आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु अकॉर्डिंग टू 2011 to 2012. टी जो है, टी देखिए एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, एक बेवरेज क्रॉप है. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेवरेज के नाम से, तो ये बेवरेज जो कॉफी और जो टी है एक इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स में आती है. किस तरह की फसलें हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए इनको, फर्टाइल वेल ट्रेंड सॉइल चाहिए, रिच इन ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर. टी बुशेज जो है रिक्वायर करती है वार्म मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर. और टी जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है. इसके साथ ही ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला के पार्ट में पाई जाती है. इसके बाद ही देखिए इन 2008 की बात करें तो इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड टर्की. नेक्स्ट आ रहा है कॉफी. तो देखिए कॉफी की स्पेशली अगर वेराइटीज बात करें तो यहाँ पे द अरेबिका और इंडिका 19 जो कॉफी है वो पाई जाती है. और अरेबिका वेराइटी काफी फेमस है जो कि यमन से लाई गई थी. और एक फ्रेंड थे बाबा बुरान, वो वहां से 7 लीव्स लेके आए थे, 7 सीड्स लेके आए थे कॉफी के. तो वही इन्होंने यहाँ पे नीलगिरी जो कर्नाटका और यहाँ पे उगाया था, तो उसी को फिर इन्हीं जगहों को उनके नाम से बोला जाता है. तो बाबा बुरान हिल्स और यहाँ पे नीलगिरी, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के एरिया में काफी कॉफी को उगाया जाता है. हॉर्टिकल्चर में देखे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाया जाता है यहाँ पे. तो काफी सारे स्टेट्स और उनके जो फेमस फ्रूट्स हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन है कि कहाँ कहाँ के कौन कौन सी चीजें बहुत फेमस है. जैसे पता ही कि फल सब्जियां काफी मात्रा में इंडिया में उगाई जाती हैं, बट अगर 2008 का रिकॉर्ड देखें तो इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. और इसके बाद देखिए नॉन फूड क्रॉप्स हैं जैसे कि रबर है, तो रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है. ये इसको हम ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में उगा सकते हैं. और रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको राइस में अबव 100 सेंटीमीटर चाहिए, तो इसमें दुगना चाहिए, डबल चाहिए रबर में. तो मोर देन 200 सेंटीमीटर और अबव टेम्परेचर होना चाहिए, अबव 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. रबर एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, इससे काफी सारी और भी चीजें बनती हैं. केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, वहां पे ये रबर उगाई जाती है. 2010 और 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक 4th था अमंग दी वर्ल्ड नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स में से. फाइबर क्रॉप की बात करें तो कॉटन, जूट, हैम्प और नेचुरल सिल्क जो है ये इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप है इंडिया की. रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स को जो पाला जाता है और उनको फेड किया जाता है ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी. तो इसको जिससे कि सिल्क फाइबर हमें मिलता है उसको हम सेरिकल्चर, पूरा प्रोसेस जो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर. कॉटन जो है एक ओरिजिनल होम इंडिया पाया जाता है. इंडिया बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट. जैसे और जो फसलें हैं वो बाकी दूसरी कंट्री से भी लाई गई हैं, बट जो कॉटन है वो इंडिया की एक ओरिजिनल होम है, यहीं की एक फसल है. कॉटन जो है एक मेन रॉ मटेरियल भी है सारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का. और इसके साथ ही ब्लैक कॉटन सॉइल रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, स्पेशली गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में ये पाई जाती है, उगाई जाती है. और लाइट रेनफॉल, इरिगेशन होना चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, ब्राइट सनशाइन होना चाहिए. और साथ ही ये खरीफ क्रॉप है जिसको 6 से 8 मंथ लग जाते हैं मैच्योर होने में. जूट जो है उसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं. इसके लिए काफी वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, टेम्परेचर काफी हाई होना चाहिए. वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय में उगाया जाता है. ये काफी स्टेट्स हैं जहाँ पे ये फसल उगाई जाती है, जूट को उगाया जाता है. साथ ही इसका यूज क्या है, इसको गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यान, कार्पेट्स और अदर आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. बट आजकल इसकी जो कॉस्ट है
हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग, क्योंकि इन सब मटेरियल की मार्केट में काफी डिमांड है, वो सस्ते हैं, पर जूट में जब इतनी मेहनत लगती है तो उसका रेट थोड़ा हाई है, तो थोड़ा कॉम्पिटेटिव इसको मार्केट में फेस करना पड़ता है कॉम्पिटिशन। टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करें कि इंडिया में किस तरह के टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए जिसकी वजह से आज एग्रीकल्चर काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, तो यहाँ पे कलेक्टिवाइजेशन कुछ प्रोसेस है, कुछ मेथड्स है, जैसे कलेक्टिवाइजेशन किया गया लैंड का, कंसोलिडेशन किया गया होल्डिंग्स का, कॉर्पोरेशन एबोल्यूशन किया गया जमींदारी प्रथा का, लैंड रिफॉर्म किया गया, फर्स्ट 5 ईयर जो टेंथ उसमें काफी सारे लैंड रिफॉर्म हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आई जिससे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ जिससे प्रोडक्शन जो मिल्क का प्रोडक्शन काफी बढ़ा, ग्रामीण बैंक्स ओपन की गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओपन की गई ताकि वो लोन दे सकें फार्मर्स को एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जैसी पॉलिसीज स्टार्ट की गई स्पेशल फॉर द फार्मर्स, स्पेशल वेदर बुलेटिन के थ्रू फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है वेदर के लिए कि कौन सा वेदर आपके लिए सुटेबल होगा, कौन सी फसलें कहाँ आपको उगानी, जैसे कृषि दर्शन काफी फेमस प्रोग्राम आता है, रेडियो टेलीविजन में चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट फसल उगाने से पहले इंट्रोड्यूस कर देती है, अनाउंस कर देती है जिससे कि फार्मर्स को पता है कि कितनी फसल उनको उगानी है, कितनी एक्स्ट्रा उगानी है, तो एक फसल को उगाने से पहले उनको कस्टमर उनको मिल जाता है। भूदान देखिए ग्रामदान यहाँ से भी वन मार्क क्वेश्चन आपका काफी बार बन जाता है, तो क्रेडिट गोज़ टू विनोबा भावे, इन्होंने स्टार्ट किया था भूदान ग्रामदान, तो इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली जो जमींदार हैं जिनके पास काफी सारा जमीन है तो विलेजर्स उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए एक तरह से उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप दान कर दो, डोनेट कर दो अपने लैंड को, भूमि का दान दे दो, जो गांव है क्योंकि जमींदार के पास काफी ज्यादा मात्रा में गांव होते हैं तो उनको दान कर दो जिससे कि जो लैंडलेस फार्मर्स हैं वो इन जगहों पे खेती कर सकें। तो ऐसे एक एग्जांपल श्री रामचंद्र रेड्डी जिन्होंने अपना 80 एकर्स का जो लैंड था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 80 लैंडलेस विलेजर्स में, इसी एक्ट को हम भूदान बोलते हैं, और पूरे के पूरे जो ग्राम कोई गांव अगर दान कर देता है तो उसको हम ग्रामदान बोलते हैं। इसको देखिए मैं बोलता हूँ इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। साथ ही अगर एग्रीकल्चर का रोल देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी इसका क्या रोल है, पर धीरे धीरे देखिए जितना एग्रीकल्चर में लोग पॉपुलेशन जितनी हमारी एंगेज है उस हिसाब से इतनी इनकम नहीं आती यहाँ से ज्यादातर, क्योंकि काफी ड्रॉबैक्स भी हैं कि एक सीजनल एक्टिविटी है, कभी फसल अच्छी हो जाती है कभी नहीं होती, अगर वेदर अच्छा नहीं होता टाइम पे मानसून नहीं आता तो इस वजह से जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है इन कंपेरिजन ऑफ दी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। इसके साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और काफी वेटरिनरी सर्विसेज और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दी फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फॉरकास्ट जैसे इंप्रूवमेंट हुए हैं जिसकी वजह से काफी हद तक इंडियन एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ है। नेक्स्ट देखिए फूड सिक्योरिटी, जिस तरह से आपने को याद हुआ क्लास 9 में आपने इको में ये चैप्टर पढ़ा था फूड सिक्योरिटी की, किस तरह के टाइम होते हैं डिजास्टर के टाइम जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिस तरह से फूड को सिक्योर किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, और ये काम करती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थ्रू दी PDS जिसको हम राशनिंग शॉप भी बोलते हैं, फेयर प्राइसेस शॉप बोलते हैं, और इसमें जो फसलें रखी जाती हैं प्रोवाइड की जाती है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अनाउंस करता है गवर्नमेंट फसलों को उगाने से पहले फार्मर्स को, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फसलें इतनी प्रोडक्शन जाती है कि उसको सेव करते हैं। इसके साथ ही देखिए क्या इंपैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का ऑन एग्रीकल्चर, तो ग्लोबलाइजेशन मतलब कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एक साथ बिजनेस कर सकती हैं, एक तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती हैं अपनी फसलों को, तो इसी तरह से एग्जांपल अगर देखा जाए तो कॉटन टेक्सटाइल का काफी पुराना एग्जांपल है कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल जाता था उसकी वजह से मैनचेस्टर और लिवरपूल जैसी जो सिटीज है वो काफी फ्लरिश हुई। और इसके साथ ही आज इंडिया में फ्रूट्स वेजिटेबल्स मेडिसिनल हर्ब्स जो हैं फ्लावर्स हैं वेजिटेबल्स हैं इवन बायोडीजल जो क्रॉप्स हैं जैसे जेट्रोफा और जोरोबा ये भी उगाई जाती हैं जिसको काफी लेस इरिगेशन चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ दी राइस और शुगर गेन। तो एक तरह से इंडिया का डायवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन ही है जिसकी वजह से एक वाइड रेंज जो हाई वैल्यू जो क्रॉप्स हैं इतनी डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, तो पूरा जो क्रेडिट है वो यहाँ के क्लाइमेट को जाता है, यहाँ की सॉइल को जाता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।